जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल की डेट आ गई है, आपके दिसंबर में मेडिकल होंगे। क्या है पूरी जानकारी वो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं देखा है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो आप उसको UPSSC की ऑफिशियल साइट पर से डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल सरकारी वही 207 पर जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अब आपके मेडिकल के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेडिकल आपके 8 दिन होंगे, ठीक है, दिसंबर में। 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 और 16 दिसंबर, 18 और 19 दिसंबर, 21 और 23 दिसंबर, ठीक है, 8 दिन आपके मेडिकल होंगे, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा PDF का, वहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। दोस्तों, ये जो मेडिकल परीक्षा होगी, ये आपके 18 मंडलीय जो जनपद है उनके मुख्यालयों के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगी, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा जब आपका मेडिकल के कॉल लेटर आएंगे, ठीक है। तो अभी कॉल लेटर नहीं आए हैं, तो दोस्तों इसके जो कॉल लेटर हैं वो आपके 5-6 दिन पहले आपके मेडिकल से आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका मेडिकल कहाँ पे है, ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ टेस्ट कराने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है, उसमें आपके 5 टेस्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका, देखिए, एक्सरे आपका सीने का, चेस्ट का एक्सरे होगा, ठीक है। दूसरा आपका होगा यूरिन टेस्ट, ठीक है। तीसरा होगा आपका ECG, यानी दिल की जो धड़कन वगैरह है, दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ये तीसरी चीज। उसके बाद में होगा आपका CBC, जो ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ब्लड के टेस्ट के जरिए हो जाएगा, ठीक है। चार हो गई, और पांचवा है आपका आंख से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपकी आंख पे चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, लेंस वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो उसका आपको चेकअप कराना है, ठीक है। तो आप मतलब चेकअप करा लीजिए, कितना नंबर है, क्या है, क्या लेंस है, ये आपको ये टेस्ट करा के लेके जाने हैं, ठीक है। तो आप ये जो टेस्ट है, आप दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे सब जो है मतलब टेस्ट आपके हो जाएंगे। इनके टेस्ट की पूरी रिपोर्ट आपको लेकर के जानी है, और 15 दिन से मतलब पहले की ना हो आपके मेडिकल डेट से है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका जो मेडिकल होगा उससे 15 दिन के अंदर अंदर की रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जब आपका कॉल लेटर आ जाए तो 7-8 दिन पहले ये अपने सभी टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन वाला जो मैंने PDF आपको बताया है, इस PDF को ले आकर के सरकारी अस्पताल में आप दिखाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ये जो टेस्ट हैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दे देंगे, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप नहीं कराना, गवर्नमेंट में ही कराना, ठीक है। आपके जिले में जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ पे कोई बड़ा सिटी हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट का, वहीं पे आप जाकर के करा लीजिए, ये फ्री में हो जाएंगे, और इसकी रिपोर्ट जो है वो हर जगह मान्य होगी। तो जो भी आपके नोटिफिकेशन में था वो मैंने सब कुछ आपका बता दिया है, ठीक है। बाकी एक चीज और मैं आप सभी से कहूंगा कि आपके आसपास में वन विभाग का ऑफिस जरूर होगा, जहाँ पे कॉन्स्टेबल होंगे, पोस्टिंग होंगे वन विभाग से रिलेटेड, आप वहां पे जाकर के मतलब उनके ऑफिस में जाके और क्लियर करके पूछ सकते हो कि सर आपका मेडिकल कैसे हुआ था, या किस तरीके से हो सकता है हमारा, क्या चीज़ इसमें होने वाली है, हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको क्लियर बता देंगे। क्योंकि मैं यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की जॉब कर रहा हूँ, मेरा मेडिकल नहीं हुआ था यूपी फॉरेस्ट गार्ड का, मैंने फिजिकल छोड़ दिया था, ठीक है। तो इससे आगे का जो भी मैंने आपको बताया, ये नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया है, ठीक है। तो आप वन विभाग के ऑफिस में जा करके और क्लियर करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लिंक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।